सर, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम? डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी। सर, आप करते क्या हैं? मैं सिक्योरिटी चलाता हूँ, यहीं रहता हूँ, रेजिडेंट हूँ यहीं का, RWA में ही, अपने ही 45 मेरा मकान है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी समस्याएं हैं जिन्हें आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। बताइए सर, क्या क्या आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं यहाँ? सबसे पहले तो मैम, यहाँ मच्छर बहुत लगता है, यहाँ आते नहीं कोई, जो होते हैं ना गाड़ी वाले, अथॉरिटी वाले, वो नहीं आते हैं कोई यहाँ पर, फॉगिंग नहीं होती है और बहुत मच्छर हो गया, गंदगी बहुत है, साफ़ सफाई नहीं, नाली का पानी बहता रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या, घास बहुत उग गई है, कोई घास की कटाई नहीं हो रही, ना तो अथॉरिटी सुन रही, ना RWA सुन रहा, सब मनमानी हो रही, अपने अपने मन का कुछ भी नहीं होता। हम लोग सिक्योरिटी भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, फिर भी प्रॉपर तरीके से जो गाय घुसाती हैं यहाँ पर सेक्टर में, बाहर के आवारा पशु आ जाते हैं, और लोग जो है यहाँ कचरा फेंकते हैं बाहर, जो है कई बार मेन गेट पर, अंदर भी फेंकते हैं। कई बार इस पर कोशिश भी किया लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हो रहा, अध्यक्ष जी को भी बताया गया कई बार, अध्यक्ष जी भी खड़े हुए। अध्यक्ष जी का नाम क्या है? जयविंद कुमार जी। तो उनका मतलब काम है यहाँ की देख रेख करना और सारा मेंटेनेंस वगैरह सब देखना। तो बड़ी दिक्कत है, अथॉरिटी से एक्शन नहीं होता, इसलिए जो है लोग कचरा बाहर वहीं फेंक देते हैं, जो ये समस्या है जी। जैसे कि लोग बाहर भी कचरा फेंक रहे हैं और अंदर भी कचरा फेंक रहे हैं, लेकिन एक कचरा फेंकने का अगर खास इंतजाम किया गया होता तो लोगों को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। जी जी, डस्टबिन पहले लगाए गए थे लेकिन वो डस्टबिन डिब्बे जो है फिर प्रॉपर नहीं हुए, जिससे कोई बड़े डिब्बे नहीं रखे गए हैं जिसमें फेंका जाए कचरा जो है। अगर वो डब्बे रख दिए जाएँ तो उससे जो है कचरा वहीं प्रॉपर फेंका जाए जो है। जी जी, सर आपका नाम क्या है? हरिमोहन गौतम जी। आप करते क्या हैं? मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और सर का जो है PS हूँ। तो आप इसी एरिया में रहते हैं? यहीं रहते हैं सर। आप इस एरिया में रह रहे हैं तो क्या तमाम समस्याएं देख रहे हैं आप? क्या क्या, एक तो गंदगी का बहुत बड़ा मार है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ आपने देखा होगा अपने चैनल के माध्यम से कि चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं, अथॉरिटी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करती है। अध्यक्ष जी क्या करते हैं ये पता नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जी का काम है कि उनको जाके अथॉरिटी को सूचित करना चाहिए कि हमारे यहाँ समस्या है, क्योंकि EWS मकान बने हुए हैं, निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, तो ये गंदगी का जो साम्राज्य बना हुआ है ये समाप्त करना चाहिए अथॉरिटी को। ठीक है। और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो आप लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को उनका सुनने का काम है, तो आप उनको इस वीडियो के जरिए क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे अध्यक्ष के कि समस्या का समाधान करना चाहिए, जिस तरह से मोदी जी ने एक मिशन चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें भी उनको सहयोग करना चाहिए और स्वच्छ ओमिक्रॉन लाल बिल्डिंग होनी चाहिए, ऐसा ही उनका प्रयास होना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहीं रहते हैं जी। आपका नाम? भूपेंद्र सिंह। सर आप यहाँ पर क्या समस्याएँ देख रहे हैं? सो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ जो है मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है सेक्टर के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से अवैध लोग आते हैं, जिनका कोई भी एंट्री या कुछ भी, उसकी वजह से चोरियाँ भी होती हैं, पीछे की दीवारें भी टूटी हुई हैं, तो पूरे सेक्टर का माहौल बड़ा गंदा है, उस पर सुधार करना चाहिए और अथॉरिटी को आके खुद एक बार अध्यक्ष जी से या पूरे सेक्टर में घूम करके क्या अवैध हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो देख करके उनसे बात करनी चाहिए और उसका सुधार करें, बस इतना ही। सर आप बताइए, आप यहाँ पर रहते हैं जी? सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं संतराम RW पूर्व RW अध्यक्ष A64, यहाँ हम काफ़ी दिन से रहने, 8-10 साल हो गई और यहाँ समस्या ही समस्या चली आ रही है, समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। गेट के बाहर काफ़ी गंदगी रहती है हमेशा और अंदर भी अब गंदगी का ढेर लगा पड़ा है, और आपने देखा वो होगा भी, घूम के भी सेक्टर में चारों तरफ बुरा हाल हो रहा है और यहाँ लोग काम करने के लिए कोई राजी नहीं है, और थोड़ा बहुत जो पैसा आता है उसको अपना सिक्योरिटी में चला जाता है, बाकी पैसा इधर उधर ख़राब कर देते हैं, सेक्टर में पैसे लगाते नहीं हैं, ये दिक्कत चल रही है, परेशानी है। साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देते लोग, गंदगी फैली पड़ी है चारों तरफ जो। सर आप लोगों की मांग क्या है, क्या हो? मेरी मांग यह है कि साफ सफाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, सेक्टर को स्वच्छ बनाया जाए, बाकी समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयविंद कुमार है। और तो आप करते क्या हैं? कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार है।
ठेकेदार हैं, तो सर आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में क्या देख रहे हैं कि मजदूरों का क्या हाल है और आप लोगों का काम कैसे चल रहा है? काम का भी थोड़ा समस्या खराब है, स्थिति सही नहीं है, कंपनियों की स्थिति खराब है बस। तो सर स्थिति खराब है, तो ये खराब स्थिति कब से चल रही है? कोरोना के समय से चल रहा है। कोरोना के समय से चल रहा है, तो फिर आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? मैनेज जब दो तो तीन तीन महीने पर कंपनी पेमेंट देती है, उसी हिसाब से लेबर भी आगे पीछे करके किसी से उधार पैचा करके मैनेज करते हैं, और क्या करें, ऐसे करना पड़ रहा है। और ठेकेदारी के काम में कुछ करप्शन भी होता है? नहीं। कोई आपका ऐसा अनुभव? नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा अनुभव नहीं। अच्छा, तो ये ग्रेटर नोएडा में, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का स्तर क्या है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम एकदम अपने रफ्तार से चल रहा है? नहीं, या फिर मंदा चल रहा है? मंदा चल रहा है, कोरोना के समय से बता तो रहा हूँ मैं, मंदा चल रहा है। फिर सर आप क्या सुधार चाहते हैं कि कैसे सुधार होनी चाहिए? अब सुधार ये कंपनी के ऊपर निर्भर कर रही है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, क्लाइंट मकान टाइम से बिक नहीं रहे हैं, तो भी कहाँ से पैसे लाएंगे। अच्छा, आपको इन 10 सालों में कुछ परिवर्तन दिख रहा है महंगाई बेरोजगारी में? महंगाई तो बढ़ी है, बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और ये क्या कहते हैं, बिल्डिंग लाइनों के मकानों की कीमत बढ़ी है। अब अच्छे गरीब आदमी लोग खरीद नहीं पाएंगे, अब जो लाख दो लाख कमा रहे हैं वो 10-20 लाख के मकान खरीदेंगे, करोड़ों की खरीद नहीं पाएंगे, तो महंगाई तो बढ़ी रही है। और महंगाई कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र को कैसे प्रभावित कर रहा है? कंस्ट्रक्शन में महंगाई नहीं बढ़ी है, लेबर की रेट वही है, ठेकेदारों के रेट वही है, मकानों के रेट बढ़े हैं। मकानों के रेट बढ़े हैं सर, हम लोग मतलब ये देख रहे हैं ना कि कुछ 10 सालों में जो कंस्ट्रक्शन का काम कम हुआ है, उससे यहाँ जो ग्रेटर नोएडा के जो मजदूर हैं उनके रोजगार में कमी आई है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल भी रहा है तो टाइम से पेमेंट नहीं मिल रहा है, दिक्कत ये है और कुछ नहीं है, इसलिए लोग यहाँ से भाग रहे हैं, दूर राजस्थान हो, बेंगलोर हो, अच्छा पैसे मिलते हैं 800-1000 रुपये, तो वहाँ जा रहे हैं, यहाँ कमर मजदूर रह रहे हैं। तो सर आप सरकार से क्या चाहेंगे कि आप लोगों के लिए क्या ऐसा कदम उठाए सरकार जिससे कि ये जो तमाम समस्याएं आप लोग देख रहे हैं वो खत्म हो या फिर कम हो? खत्म तो होगा ही नहीं कभी, कम हो सकता है। तो कैसे कम हो, क्या अब सरकार इस पर निर्भर है, कैसे काम कराए ना कराए, सोचे क्या करना चाह रही है, लेबरों की मजदूरों की रेट बढ़े, जो मजदूर बढ़िया से काम करे, टाइम से काम करे, आजकल मजदूर मिलते नहीं है क्योंकि उनको उस लायक पैसे नहीं मिलते, तो कैसे काम करेंगे, ये है। अब उनको 600 रुपये दोगे, 600 रुपये खाना पीना मकान कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पा रहा है, ये दिक्कत है, इसलिए मजदूर काम नहीं करना जा रहे, ये परेशानी। तो आप कंस्ट्रक्शन के लाइन में कब से काम कर रहे हैं? करीब हम 2007 से हैं। सर आपका नाम क्या है? संतराम। संतराम, और आप करते क्या है व्यवसाय के तौर पे? प्रॉपर्टी काम। प्रॉपर्टी का काम, अच्छा ये बताइए आपके प्रॉपर्टी के काम में या फिर डीलिंग जो आप करते हैं इसमें क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? क्या चेंज, मकान महंगे हो गए हैं, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, कम बिक रहे हैं मकान, रेट ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए जो कम तबके के लोग हैं वो खरीद नहीं पा रहे, उनकी मजदूरी कम है, ये दिक्कत आ रही है, समस्याएं हैं। सर ये समस्याएं कब से मतलब ज़्यादा बढ़ गई हैं? ये समस्याएं अभी 4-5 साल से ही बढ़ी हैं और दिक्कत आई है लोगों ने बहुत ज़्यादा। तो इसमें आप लोगों को नोटबंदी का कोई प्रभाव लग रहा है? क्या प्रभाव लग रहा है आप लोगों को? कंपनी को पड़ा है प्रभाव, और कंपनी से हम लोग हैं, और कंपनी के मकान नहीं बिकेंगे तो लेबर कहाँ से काम करेंगे, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करता है, और मकान बिकेंगे नहीं पहले, और प्राधिकरण भी मकान बनाती थी, आजकल बना नहीं रही है, क्योंकि उनके मकान सेल आउट नहीं हो रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर को प्लॉट बेच देती है, दिक्कत ये है। तो सर ऐसा क्या कदम उठाया जाए जैसे कि आप लोगों का जो प्रॉपर्टी का काम है उसमें रफ्तार आए, जो ये रफ्तार रुकी हुई है उसमें रफ्तार कैसे ला सकते हैं? रफ्तार इन फ्लैटों के और जो बिल्डअप एरिया है उनके रेट कम होंगे तभी लोग खरीद पाएंगे, रफ्तार तभी आएगी। अब जो फ्लैट पहले 55 करोड़ के 55 लाख के बिकते थे वो अब 1.5 करोड़ के बिक रहे हैं 120 मीटर वाले, और अभी जो ये 30-32 मीटर वाले हैं पहले ये 7-8 लाख में बिकते थे, अब ये 25-25-33 लाख में बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, ये लोग खरीद नहीं पा रहे हैं और दिक्कत चल रही है, हाँ लोन भी नहीं हो पा रहे हैं इसी चक्कर में जो। तो सर आप गवर्नमेंट से कुछ ऐसी मांगे चाहेंगे जिससे कि इस सेक्टर में कुछ सुधार हो? सुधार इसमें तभी होगा जी जब ये मकान सस्ते होंगे और तभी लोग खरीदेंगे, लोन भी सर की रेट कम है और मार्केट रेट ज़्यादा हो गए तो इसलिए लोग खरीद नहीं पा रहे इसको।
सर आपको लगता है कि जैसे कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो इन 10 सालों में ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों का जो आय है वो उसी स्तर पर है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव इसमें हो सकता है? इसमें मजदूरों की जो तनख्वाह है वो बढ़ी नहीं है और जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उससे लोग परेशान हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं और मजदूरी भी नहीं मिल रही है लोगों ने, और जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनकी सैलरी 10-10, 12-12 हज़ार है और आजकल महंगाई इतनी हो रही है कि आप पूछो मत ना कि बहुत ज़्यादा, तो इसमें खाना खर्चा भी नहीं चल रहा, लोग परेशान हैं। तो सर बस सुधार कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट करे, महंगाई कम करे। सुधार तो इसमें गवर्नमेंट जो कंपनी में कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जा और तभी यह सुधार हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा इससे, जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजेंद्र सिंह राघव है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं, मैं तो रह रहा हूँ, बुढ़ा आदमी हूँ, बच्चों के पास। घर पे रह रहे हैं। तो सर आप करते क्या थे? गांव में खेती करते थे हम तो। जी क्या चेंजेस देख रहे हैं आप खेती के क्षेत्र में? खेती के क्षेत्र में क्या चेंजेस, खर्चे या दवाई ववाइयों के ज़्यादा बढ़ गए हैं तो किसान को क्या बचता है उसमें बताओ? किसान को दवाइयाँ, तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के बीज, तो उस हिसाब से उसको क्या बचता है? वो मजदूरी तेज हो गई है और किसान दे नहीं पाता मजदूरी, ये है गाँव। आप लोग जो खाद होता है वो सरकार की किसी योजना से लाते हैं? हाँ लाते, सोसाइटी से लेते थे, सोसाइटी होती है। अच्छा। हाँ ग्राम पंचायत क्षेत्र। आपको क्या चेंजेस दिख रहा है इन 10 सालों में? जैसे बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो तीसरी बार है शासन में, तो आपको कैसा लग रहा है देश का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो सही तरह से नहीं बता पाए। वैसे बीजेपी के गुण भी गाते हैं लेकिन फिर भी घुमा फिरा कर, अरे भाई तुम भी कर रहे हो कंसल्टेंट का काम, तुम क्यों नहीं देते हो मजदूरी? अपनी अपनी कटाई कर रहे हैं तो अपने आप सामने बुराई कर रहे हैं। भाई तुम कर रहे हो, इसके ठेकेदार हो तो उन मजदूरों को मजदूरी तुम दो ना। नहीं, जैसे उनका जो मानना था उन्होंने बोल दिया, हम आपसे आपका ओपिनियन जान रहे हैं। हम तो यही जान रहे हैं कि ये लोग जो मजदूरी नहीं देते मजदूर की, ठीक। अच्छा, जो मतलब ठेकेदार होते हैं वो मजदूरी मजदूरों को मजदूरी नहीं देते हैं। कटाई कर रहे हैं उसमें परसेंटेज मारते हैं। अब मान लीजिए गार्ड हैं ये गार्ड साहब हैं, गेट पे रहते हैं, इनको दे देंगे 10,000 रुपये और 12,000 रुपये उस पर से पेमेंट करेंगे। अच्छा। तो 2,000 रुपये बीच में खा गए, दलाली में खा गए, नहीं खा गए, ये कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आपका कहना कि ये है कि जो ठेकेदार हैं वही बीच में भ्रष्टाचार कर रहे हैं? भ्रष्टाचार है जी, ऊपर तो नीचे तक। योगी जी लगा तो रहे हैं, इस वक्त कमांड कर तो रहे हैं, पर धीरे धीरे होगा। हाँ कर रहे हैं।